जय श्री महाकाल, जय माता शक्ति, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर पंकज महाकाल अपने यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई वेलकम टू ऑल मेंबर्स हु इज रियली लर्निंग एंड एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल डिवाइन कोर्स एंजेलिक थेरेपी एंजल्स कोर्स। ये मेरा ग्रुप है जहाँ पर सारा डिस्कशन होता है, जो लोग भी सीरियस हैं क्लास में और ग्रुप डिस्कशन करते हैं हर लेक्चर्स का, तो वो लोग हमारे एंजल्स सीरियस एंजल डिस्कशन ग्रुप में आ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं 7632098084। तो दिस लेक्चर्स एंजल्स जो बहुत डीप कोर्स है, जो मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोर्स बनाने जा रहा हूँ और सबसे वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहा हूँ, इसलिए आप सोचिए कि मेरा उद्देश्य मेरा पर्पस कितना बड़ा है। तो प्लीज़ कोऑपरेट मी एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, मैक्सिमम शेयर कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारे जो एंजल्स का डिफरेंट ग्रुप, अभी मेरे पास 6 ग्रुप चल रहा है जिसमें सभी में 150 से ऊपर लोग हैं, तो आप मैक्सिमम लोग ज्वाइन कीजिए ताकि मैं ये फ्री कोर्स, अभी फ्री कोर्स है, सबको दे सकूँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट नाइन जो कि मैसेंजर्स एंजल्स के बारे में है, जो ये नोट्स लेक्चर ये पार्ट नाइन है, इसमें हम पढ़ेंगे और जानेंगे मैसेंजर्स एंजल्स के बारे में, ठीक है। मैसेंजर्स एंजल्स क्या होता है, ये इतना डीप है कि आप हर बात को, छोटी छोटी बात को जानोगे सीखोगे तो इसका डिवाइन कोर्स है। ये जितना भी पढ़ोगे उतना कम ही पड़ेगा, इसलिए ये मैंने इसमें इतना डीप में ले जा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बोलने में और बताने में काफ़ी मेहनत लगता है। और हम प्रार्थना करते हैं हम अपने एंजल्स के सभी पावर्स से, सभी जितना भी एंजल्स है वो मेरा हेल्प करे, कोऑपरेट कीजिए इस एंजल्स कोर्स मैं सबको सिखा रहा हूँ, तो मुझे हेल्प कीजिए। मेरे जो भी एंजल्स है, सभी एंजल्स को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मुझे ब्लेसिंग दीजिए अपना, और इस कोर्स से जुड़े जितने भी लोग हैं सबको ऐसा एक्सपीरियंस कराइए कि लगे कि हाँ डिवाइन पावर्स उनके सामने में है, ठीक है। मैसेंजर्स एंजल्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई मैसेज आते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं अपने नोट्स को और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मैसेंजर्स एंजल जो होते हैं वो क्या होते हैं। ऑल एंजल्स आर मैसेंजर्स बट देयर इज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ एंजल्स हु आर डिवोटेड टू रिलाइंग मैसेज बिटवीन द डायमेंशंस ऑफ हेवंस एंड द अर्थ। वैसे तो सारे एंजल्स ही हैं, और एंजल्स का मीनिंग ही होता है कि ये गॉड के मैसेंजर्स हैं, यानी कि जो भगवान और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके बीच ये मैसेंजर्स मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, जिस तरह हम अपने मोबाइल पर मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पड़ोसी को, ठीक है। उसी तरह एंजल्स होते हैं, वो हमारे दुख और दर्द को हमारे डिवाइन पावर से जोड़ते हैं, उनको मैसेज देते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लेकिन एक स्पेशल ग्रुप भी है एंजल्स का, जो कि इस काम के लिए ही बना है, ठीक है। स्पेशल उनका ग्रुप होता है मैसेज का, कि जैसे कि पोस्टमैन होता है स्पेशल, वैसे तो कोई भी इंसान किसी को भी संदेश पहुंचा सकता है, लेकिन एक स्पेशल ग्रुप जैसे पोस्टमैन का नौकरी होता है कि वही डाकिया है, वही कोई कार्ड लेकर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एंजल्स के ग्रुप में भी डिवोट किया गया, एक नियुक्ति की गई एंजल्स का, जो केवल मैसेंजर्स यानी मैसेज को हमारे इस डायमेंशन से, जो धरती का डायमेंशन है, जो भगवान का डायमेंशन है, डिवाइन पावर्स, उसको जोड़ने का काम करती है। मैसेंजर्स एंजल्स ट्रेवल एट लाइट स्पीड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एक पलक झपकेंगे और पता चला कि यहाँ से वहाँ वह चला गया, ठीक है। जिस तरह से हम मैसेज किए, आप किसी भी देश में मैसेज कर सकते हैं, कोई भी मैसेज कर सकते हैं, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, वो कितना जल्दी चला जाता है चाहे वो कितना भी दूर हो। उसी तरह जो एंजल्स होती है वो कभी भी कहीं भी किसी समय जा सकती है, आपके प्लग झपकने का देरी है, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा, एज क्विकली एंड स्पॉन्टेनियसली एज ए थॉट।
आप जितना सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा। मैसेंजर्स एंजल्स डिलीवर्स इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल इंसाइट टू ह्यूमंस ऑन बोथ एन इंडिविजुअल एंड ग्लोबल स्केल। दीज इनलाइटिंग आइडियाज आर ब्राउट टू अस व्हेन यू आर ओपन टू देम एंड कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देम। मैसेंजर्स एंजल्स ऑल्सो डिलीवर दोज अहा मोमेंट व्हेन यू एक्सपीरियंस ए वाइज रियलाइजेशन अबाउट योर सेल्फ और ए रिलेशनशिप और सिचुएशंस यू आर इन। मैसेंजर्स एंजल जो है वो डिवाइन डिलीवर करते हैं इम्पोर्टेंट जो भी आध्यात्मिक जो भी इंट्यूशंस है वो ह्यूमंस टू ह्यूमंस ऑन बोथ एंड इंडिविजुअल्स एंड ग्लोबल स्केल। जो भी बड़े स्तर पे हो छोटे स्तर पे हो वो सारा आध्यात्मिक जो है वो इंट्यूशन पैदा देते हैं मैसेंजर एंजल्स। ठीक है, जो भी इनलाइटमेंट जो आध्यात्मिक आइडियाज होते हैं विचार होते हैं जैसे गौतम बुद्ध जो पेड़ के नीचे तपस्या किए तो उनको इनलाइटमेंट मिला उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो मैसेंजर एंजल्स का ये भी काम होता है कि वो हमारे दिमाग में स्पिरिचुअल थाउट को देते हैं या तो अकेले या फिर पूरे विश्व के जगत के ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, दीज इनलाइटनिंग आइडियाज आर ब्राउट टू अस When you are open to them and capable of understanding them, जैसे हम समझने लगते हैं हम उनसे विश्वास करते हैं, आप हम पे विश्वास करते हो ये कोर्स सीखते हो तो उसी तरह एंजल्स भी आपके जो आस पास है या आपके साथ है वो भी जान रहा है कि आप सीख रहे हो आप विश्वास कर रहे हो, इसलिए वो आपको साइन देते हैं आपको ऐसा विचार देते हैं कि आप भी अच्छा फील करने लगते हो और आपका काम बनने लगता है। समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको इस लेक्चर्स में क्या समझ में आया नहीं आया। इन एवरी वीडियो एनी एवरी लेक्चर्स आपको कमेंट करना जरूरी है क्योंकि हम हर कमेंट को देखते हैं कि कितने लोग क्लास में प्रेजेंट है। आपको कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कितना लोग क्लास में है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट मस्ट है आपको भी लेक्चर में, मुझे हमेशा ये नहीं बोलना पड़े और जितना हो सकते शेयर करते रहिए। मैसेंजर्स एंजल्स कैन ऑल्सो डिलीवर दोज अहा मोमेंट्स वेन यू एक्सपीरियंस ए वाइज रियलाइजेशन अबाउट योर सेल्फ। मैसेंजर एंजल्स वे हर तरह से संदेश को हर मोमेंट को पहुँचाते हैं जब हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने आप को, जब अपने आप को हम बुद्धिमान समझते हैं रियलाइजेशन करते हैं अबाउट हम अपने आप को समझने लगते हैं, हमारा आध्यात्मिक उत्थान होने लगता है कि मैं कौन हूँ, इस तरह के विचार तब हम ध्यान करते हैं और तब हमें विचार आता है। वो विचार कहाँ से आता है अपने बारे में कि मुझे क्या करना चाहिए इस लाइफ में, क्या करना है, हम क्यों इस धरती पर आए हैं, तो जब अपने बारे में कोशिश करते हैं जानने का वो सब विचार कौन देते हैं, ये सब विचार भी आपको जो ज्ञान देते हो मैसेंजर एंजल्स ही आपको अंदर में रियलाइजेशन करवाते हैं। यू एक्सपीरियंस वाइल रियलाइजेशन अबाउट योर सेल्फ और ए रिलेशनशिप और सिचुएशंस यू आर इन। जिस कंडीशन में आप जिस रिलेशनशिप में हैं आपको वो अवगत कराते हैं, आपको बताते हैं कि आप कौन हो और इस जिंदगी में इस दुनिया में इस धरती पर क्यों आए हो, आपका उद्देश्य क्या है। हेल्प करते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए और जो भी लोग हैं उनको कोऑपरेट करते जाइए। ये नहीं कि कौन है क्या है नहीं, हमारे कोर्स से भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और डेली मैं उनको जोड़ता हूँ, अपने मन से जुड़ता हूँ। मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप कौन हो क्या हो कहाँ से हो तो मुझे बहुत मुश्किल होता है समझाना। ठीक है, वी आर डिवाइन पावर्स, वी आर द पार्ट ऑफ द डिवाइन पावर्स एंड डिवाइन पार्ट्स को डिवाइन पार्ट्स समझाने के लिए उनके कोर्स को बताने के लिए किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई भी नीड नहीं है। इसीलिए इसको ब्यूटीफुली एंड दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए और कोर्स को सीखना चाहिए। ठीक है, और आप खुद बताइए, हर लोग 50 से 100 लोगों को बताइए कम से कम इस कोर्स के बारे में और इनसे जोड़िए ताकि ये डिवाइन पावर को जाने और अपना हेल्प आप खुद कर सकते हैं। इनमें कोई भी एक रुपया भी खर्च नहीं होता है, बस जानना ही है, नॉलेज ही लेना है। ठीक है, एंजल्स हेल्प रेज द वाइब्रेशन, मैसेंजर एंजल्स हमें सहायता करता है और उस तरह से वाइब्रेशन पैदा करते हैं, उस तरह से हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं जिससे कि एंड लेवल ऑफ इनलाइटमेंट ऑन द अर्थ विथ दियर इंस्पायरिंग कम्युनिकीज। वो हमें बुद्धि में बुद्धि देती है, ज्ञान देती है, इनलाइटमेंट देती है, हमें ईश्वर के ज्ञान जो है ईश्वरीय ज्ञान उससे अवगत कराती है,
डिवाइन पावर से इनलाइटमेंट कराती है, हमें सत्य का ज्ञान होता है। इनलाइटमेंट मतलब सत्य का ज्ञान होता है। जैसे कि गौतम बुद्ध को तपस्या करने से 8 से 10 साल तपस्या किए तो उनको भी ज्ञान मिला था। इस तरह से हम अपने धरती को इंस्पायर करते हैं। मैसेंजर एंजल्स हमारे अंदर ऐसा थाट देते हैं, ऐसे विचार देते हैं जैसे कि हमारे अंदर को ज्ञान मिलता है, हमारे अपने अंदर को समझने में मिलता है कि हम कौन है, क्या है, किस लिए है। इसलिए हम ये सोचेंगे नहीं कि कौन है, क्या है, नहीं है। हमसे जुड़िए और ज्ञान प्राप्त कीजिए और एंजल्स के बारे में जानिए और उनसे अपना प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और अपने लाइफ को अच्छा कीजिए, दूसरे को भी लाइफ को अच्छा कीजिए। आप हमसे फ्री में सीख रहे हैं, आपको दूसरे को भी फ्री में सिखाना है और बताना है, ठीक है। आप चाहे स्पिरिचुअल हीलर हो या कोई भी हो, आपको ये कोर्स एक कोर्स को फ्री में बताना है ताकि जो लोग के पास पैसा नहीं है, जो लोग सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, वो लोग भी जान सके, ठीक है। एक कोर्स को आपको फ्री में ज़रूर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट एंड द एंजल्स हियर ऑल आवर प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड कॉल फॉर हेल्प इंस्टेंटली। जो भी आत्माएं स्पिरिट होती है और एंजल्स होते हैं, वो जो देव ईश्वर के देवदूत होते हैं, वो हमारी हर तरह की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और बहुत ही अच्छा फील करते हैं जब भी हम उनके सहायता के लिए उनके कॉल करते हैं। जब भी आप लोग कार्ड रीडिंग के लिए आप हमसे पूछते हो तो इंडिविजुअली हम उनसे आपके बारे में पूछते हैं, हेल्प मांगते हैं और उसके बाद जो कार्ड आता है तो वो डिवाइन नॉलेज यानी कि आपके किस्मत में जो होता है वो निकलता है। इस तरह के नहीं है कि सीधा कार्ड लिए या निकाल दिए, समझ रहे हो आप। बट द मैसेंजर्स एंजल्स मेक्स योर रिक्वेस्ट गोज टू जस्ट द राइट हेवनली हेल्पर। लेकिन मैसेंजर्स एंजल्स क्या होता है, वो बस श्योर करता है कि आपका मैसेज क्या हमारे पास से गौर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम जो मैसेंजर्स एंजल्स है उनको कभी कभी क्या होता है कि हमारा मैसेज हम भगवान को हमेशा याद करते हैं, यही सोचते हैं कि हमारा मैसेज भगवान तक गया कि नहीं गया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो आपको लगता है कि इतना भीड़ भाड़ हो गया है कि मैसेज नहीं, भगवान भी बिजी हैं, एंजल्स भी बिजी हैं क्या। तो हमें मैसेंजर्स एंजल्स को याद करना चाहिए कि प्लीज़ मैसेंजर्स एंजल्स हमारे जो भी दिक्कत है लाइफ में, प्रॉब्लम्स, उसको दूर कीजिए और हम जो हमारे डिवाइन पावर है उन तक अब ज़रूर ये मैसेज पहुँचाइए, ठीक है। मैसेंजर एंजल्स मेक्स योर रिक्वेस्ट गोज टू द राइट हेवनली हेल्पर। लाइक वाइज मैसेंजर एंजल्स कैन पुट ए प्रेयर और एन आइडिया इन टू द माइंड ऑफ अनदर ह्यूमन ऑन योर बिहाफ इफ से यू वॉन्ट टू सेंड समवन लव और करेज और सपोर्ट। आप किसी से प्यार करते हैं और कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप किसी से काम करवाना चाहते हैं और वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप टेलीपैथी भी करते हैं। यहाँ पर एंजल्स थेरेपी में या यहाँ पर किसका आप यूज़ करोगे, जब भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, अरे आपको कोई उतना प्यार नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर कॉल करोगे मैसेंजर्स एंजल्स के। प्लीज़ आप उनको ऐसी भावना दीजिए कि वो हमसे प्यार करे, हमसे सपोर्ट करे। हम अपने मैसेंजर्स एंजल्स को इन्वोक कर रहे हैं कि वो हमें ब्लेसिंग प्रदान करे और मेरे कोर्स से जो भी जुड़े हुए हैं वो लोग हैं, जो भी मेरे ग्रुप में है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, टेलीग्राम, जो भी है, उनको दिमाग में ऐसे भावना दीजिए मैसेंजर एंजल्स कि वो इस कोर्स को सीखे और दिल से सीखे और मुझे पूरा रिस्पेक्ट करे और मुझे दिल से माने और प्यार करे। मैं अपने मैसेंजर्स एंजल्स से ऐसा प्रार्थना कर रहा हूँ। और इफ यू नीड सपोर्ट, अगर आपको कोई भी तरह का सपोर्ट की आवश्यकता होती है, गेट ए कॉल फ्रॉम ए हेल्पफुल पर्सन आउट ऑफ ए ब्लू, ए मैसेंजर एंजल माइट हैव गिवन द पर्सन दैट एरिया टू कॉन्टेक्ट यू। और कभी आपको आवश्यकता पड़ती है, इफ़ यू नीड सपोर्ट, देन कि आपको कोई आकर सहायता करे, आप कभी ऐसे स्थान पे हो जहाँ पे आपको कोई सहायता की ज़रूरत होती है, तो आप मैसेंजर्स एंजल्स को प्लीज़ कॉल कीजिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए कि प्लीज़ ऐसा आदमी को भेजिए जो मुझे सहायता करे, ठीक है। कोई आदमी आपको ऐसा कॉन्टेक्ट करे वो आपको सहायता करे। When telephones were first being widely used, they are operated through the giant switchboards.
जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो बहुत ही हाई लेवल पर यूज हो रहा था। थिंक ऑफ मैसेंजर्स एंजल्स आर द स्विच बोर्ड्स ऑपरेटर हु कनेक्ट आवर प्रेयर विद जस्ट द राइट रेसिपियंट्स। अनदर वे टू पिक्चर दिस एंजल्स इज एज अ ट्रैफिक कॉप्स डिवाइनली डायरेक्टेड द फ्लोइंग ऑफ द यूनिवर्स। मैसेंजर एंजल्स, जिस तरह से हम पहले डायलिंग करते थे टेलीफोन का, जैसे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर से लेकर नौ नंबर तक होता था और जीरो, उसी तरह जब हम मैसेंजर्स एंजल्स को बुलाते हैं तो एक राइट पाथ होता है कि हम उनसे कनेक्ट होते हैं और हमारे मैसेज को हमारे से लेकर उस डिवाइन पावर्स तक पहुंचाती है, एक सिग्नल देती है, एक ट्रैफिक होता है। इस तरह से यूनिवर्स में फ्लो बना रहता है मैसेंजर्स एंजल्स का हमारे और हमारे गॉड के थ्रू। अब आते हैं हम एंजल्स ऑफ मर्सी। मर्सी मतलब दया। हमारे कोई भी काम में सफलता चाहिए तो दया चाहिए। हमारे कोर्स में जैसे एंजल्स कोर्स है, जब तक आपके दिल में मेरे लिए दया नहीं होगा, आप या इस कोर्स के डिवाइन पावर्स जानने के लिए दया नहीं आएगी, आप इस कोर्स को कैसे सीखोगे। तो इसलिए मर्सी तो होना ही चाहिए। एंजल्स ऑफ मर्सी यानी दया की, दया का एंजल्स कौन है देखते हैं इसके बारे में, आप जानते हैं को क्या है नहीं है। When you are hopeless, जब आपको कोई भी आशा के किरण न दिखे, दिल टूट गया हो, heart broken, defeated, सभी तरफ से हार गए हो और unable to carry on, अब किसी भी काम को अब कर ही नहीं, अब लगातार नहीं कर सकते हैं, you might also feel very alone, और जब हम बहुत अकेला फील करते हैं, but during your last big crisis, और बहुत मुसीबत में हम हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोई भी बड़ा क्राइसिस हो, संकट हो, वेन एवर यू वेयर अवेयर ऑफ इट और नॉट, यू वेयर ऑलरेडी बींग सपोर्टेड बाई ए इलाइट एट वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ एंजेलिक एंटिटीज कॉल्ड द एंजल ऑफ मर्सी, तब हम एंजल ऑफ मर्सी को याद करेंगे। ये कोई अकेला एंजल्स नहीं है बल्कि एंजल्स का एक ग्रुप है जिसको हम बोलेंगे एंजल्स ऑफ मर्सी। मर्सी करने वाले एंजल्स एंड दया करने वाले एंजल्स who specialized in bringing mercy into a situations when it is needed most। जब हमारा सिचुएशन, हमारे लाइफ में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाते हैं, दुख, कठिनाई, संकट के बादल घिर जाते हैं हमारे लाइफ में, आगे को समझ नहीं आता कि क्या करे नहीं करे, तब हम मर्सी एंजल्स को हम याद करेंगे। इनका काम ही है कि ऐसा सिचुएशंस बना देना हमारे लाइफ में, ऐसा स्थिति को पैदा करना जिससे कि वो हमारे लिए, हमारा रिजल्ट को पाने में हमें हेल्प मिले। ठीक है, when someone cries out for help from spirit in desperation, terror or grief, often spirit sends us angels of mercy to answer that call। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं, हताश होते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, वो एंजल्स ऑफ मर्सी को आपके पास भेजते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप एक समय बनाइए, उस समय आप मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट का, उन प्रार्थना कीजिए रेगुलर, जो भी प्रॉब्लम्स है, जिस तरह का एंजल्स को आपको जरूरी है उनको इन्वोक कीजिए, ब्लेसिंग प्राप्त कीजिए और ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, थैंक यू सो मच ग्रेटिट्यूड कि आपने मुझे हेल्प किया। ऐसा बोलना चाहिए हमेशा कि आपने मुझे हेल्प किया। आप पहले से बोलोगे तो आपका दिमाग जैसा बोलोगे वैसा ही काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव सोचेंगे कि हाँ मेरा ग्रुप बड़ा हो रहा है, हम वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, सभी लोग मेरा हेल्प कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि हमारा जो काम है वो वर्ल्ड लेवल पर फैलेगा और सभी लोग हमारा मदद करेंगे। मेरा टारगेट है कम से कम 50 से 100 ग्रुप बनाना, ठीक है, जिससे कि लाखों लोग इस कोर्स को सीख सके फ्री में। ठीक है, और इसलिए आप लोग हमारी मदद करेंगे और हमारे एंजल्स इस काम में भी सफलता देंगे। आगे पढ़ते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और सभी को एकदम ध्यान से पढ़िए जानिए। एंजल ऑफ मर्सी कैन बी फाउंड ऑन बैटलफील्ड इन हॉस्पिटल्स। अब देखिए कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि एंजल्स ऑफ मर्सी कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा मिलेंगे, वो बैटलफील्ड जहाँ युद्ध होते हैं, इन हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल जहाँ बहुत सारे मरीज आते जाते हैं, बीमार होते हैं, एट प्रिजन जहाँ पर कैदी लोग होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, दुखी वाले जगह पे ये एंजल्स ज़्यादा आते हैं। दे एग्जिस्ट वेयर देयर इज अ वायलेंस, करप्शन, सब्सटेंस अब्यूज, नेचुरल डिजास्टर, पॉवर्टी और डिस्पेयर। जहाँ बहुत ज़्यादा उग्रता आती है, करप्शन आता है,
और नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, नेचुरल डिजास्टर है, तो हम किसको कॉल करेंगे? एंजल ऑफ मर्सी को, ताकि वो हमारा हील करे, हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करे। प्रॉपर्टी, बहुत सारा गरीबी आ जाए जो उसमें हमको समझ नहीं आए कि फाइनेंशियल में कि हम क्या करें नहीं करें, तो हम एंजल ऑफ मर्सी को कॉल करेंगे। जस्ट लाइक फर्स्ट रेस्पॉन्डर विल रश इनटू ए बर्निंग बिल्डर एज द ऑक्युपेंट्स आर रनिंग आउट, सो विल एंजल्स ऑफ मर्सी फ्लाई टू वेयर द वर्ल्ड पेंस एंड डार्कनेस आर द ग्रेटेस्ट, सो दैट दे कैन साइन देयर हीलिंग पाथ। और जल्दी से वो आती है एक हीलिंग लाइट की तरह और आपको ज़िंदगी में हेल्प करते हैं और हमें सफलता देते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंधकार को दूर करती है। एंजल ऑफ मर्सी कैनॉट ऑलवेज मिरेकुलसली चेंज द सिचुएशंस और द इरेडिकेट द सफरिंग ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड, बट दे कैन ब्रिंग मिरेकल्स एंड गाइड ह्यूमन टुवर्ड्स द नेविगेटिंग द मोस्ट एडवांटेज रूट थ्रू द चैलेंजेस। मर्सी ऑफ एंजल्स न केवल हमारी हेल्प करती है बल्कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने को गाइड भी करती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है और किस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलेगा जिंदगी में। When you don't know the next step, angels of mercy show you the path forward। हमें पता नहीं चलता कभी कभी कि लाइफ में अब आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, तो हमें एंजल ऑफ मर्सी का हेल्प लेना चाहिए, उनसे ब्लेसिंग मांगना चाहिए। दे मेक ए वे, एक रास्ता बनाती है वेयर देयर वॉज नो वे, जहाँ कोई रास्ता नहीं है, आप बीच में गिर गए कि आप क्या करें, तो वहाँ आप एंजल ऑफ मर्सी को यूज करते हैं। हम क्वेश्चन पूछेंगे आप सभी से कि जहाँ कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा हो तो कौन सा एंजल्स को हम इन्वोक करेंगे एंजल ऑफ मर्सी को। बहुत डीप जा रहे हैं। दे क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेस वेयर देयर वॉज ओनली कन्फ्यूजन एंड सफरिंग। वो हमें एक ऐसा रास्ता बनाती है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बनाती है कि हमें जो भी दुख है, जो भी हम जिसे सफ़र करें, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो हम अपने एंजल ऑफ मर्सी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भी एंजल ऑफ मर्सी है, प्लीज़ हमारी ज़िंदगी में आइए और प्लीज़ अपॉर्चुनिटी दीजिए मुझे कि हर तरह से सुख सुविधा मिले और जो भी क्राइसिस है वो दूर हो जाए। थैंक यू सो मच एंजल ऑफ मर्सी, ग्रेटिट्यूड। द नेक्स्ट टाइम योर वर्ल्ड गेट्स टर्नड अपसाइड डाउन, कॉल और लव्स वंस co-workers and healthcare professional for assistance, but don't forget to call the angel of mercy too। अगली बार जब हमारा संसार एक साथ काम करता है और जो हेल्थ के लिए प्रोग्राम चालू करता है, हेल्प करने के लिए, यानी कोई भी काम जो मिलजुल कर करने वाली होती है इस संसार को अच्छा करने के लिए, तब आपको एंजल्स ऑफ मर्सी को कॉल करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। ओके, दे विल ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स इन टू योर लाइफ। ये हमें ज़िंदगी में एक नए शुरुआत करने में सहायक होते हैं। एंड कोविंस पीपल टू शो योर मर्सी एंड काइंडनेस, और बहुत दया दिखाते हैं, मर्सी दिखाते हैं, कॉम्पैशन दिखाते हैं। थैंक यू सो मच अबाउट दिस मर्सी एंजल्स। और हम अब पढ़ेंगे हीलिंग एंजल्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, ब्यूटीफुल कोर्स है, डिवाइन कोर्स। प्लीज़ इंजॉय कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। हर इंसान, कम से कम 100 लोगों को जरूर पहुंचाइए। जितना फैलाएंगे एंजल्स भी खुश होंगे और वो भी आपके साथ देंगे और आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग एंजल्स के बारे में हम जानते हैं कि अब देखते हैं कि क्या होता है इसके बारे में। हेल्पिंग एंजल्स यानी सहायता करने वाले एंजल्स, स्पेशल ग्रुप। When you are on any kind of healing journey, whether it is physical, emotional, psychological, spiritual or cultural, it is important to work with experienced professional as well as leaning on friends, co-worker and the loved ones। जब भी हम किसी भी तरह की एनी हीलिंग्स की ज़रूरत होती है हमारे ज़िंदगी में, चाहे वो फिजिकल हो, भौतिकी या भावनात्मक हो, या फिर साइकोलॉजिकल हो या आध्यात्मिक हो, ये जरूरी हो जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क विथ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। हम जो भी प्रोफेशनल लोग के पास आते हैं, जैसे कि हम फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकोलॉजी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि हम प्रोफेशनल के पास जाते हैं। ठीक है, या अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होता है। उसी तरह जस्ट नो दैट व्हेनेवर यू गो टू द सपोर्ट, ए डॉक्टर ऑफिस, ए थेरेपिस्ट का
ए सपोर्ट ग्रुप मीटिंग और ए लव वंस किचन टेबल हीलिंग एंजल्स टू गो टू हीलिंग एंजल्स गो विथ यू। जब भी आपको इसी तरह आपको लाइफ में हीलिंग की आवश्यकता होती है तो एंजल्स का जो ग्रुप है एक हीलिंग एंजल्स वो आपको हेल्प करती है। हीलिंग एंजल्स माइट वर्क विथ यू इंडिविजुअली और माइट एक्सिस्ट वन ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल विथ ऑल ऑफ हिज और हेयर क्लाइंट। जिस तरह डॉक्टर हैं प्रोफेशनल लेवल पर हेल्प करने के लिए, उसी तरह डिवाइंस पावर में बनाया गया इनको एज ए डॉक्टर जैसा प्रोफेशनल, कि ये एंजल्स होते हैं वो हीलिंग का काम करते हैं किसी भी तरह का, ठीक है। हॉस्पिटल्स एंजल्स आर द सब ग्रुप ऑफ हीलिंग एंजल्स हु वर्क एक्सक्लूसिवली विद इन द वॉल्स ऑफ द हॉस्पिटल। आप देखिए हीलिंग एंजल्स में भी हम इतना डीप में जा रहे हैं कि हीलिंग एंजल्स में भी अलग अलग एंजल्स होते हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। एंजल्स जैसे हॉस्पिटल में आपके कोई लोग हैं बीमार है आईसीयू में है, तो आप हॉस्पिटल्स एंजल्स को बुलाइए जिसका जो काम है, अगर उनको बुलाएंगे तो जल्दी से हेल्प करेंगे। और एंजल्स में तो आप जानते हैं कि जब तक आप जानोगे नहीं बुलाओगे नहीं तो आपको हेल्प नहीं करेंगे। हॉस्पिटल एंजल्स आर द सब ग्रुप ऑफ हीलिंग एंजल्स। हीलिंग एंजल्स का एक पार्ट है, एक ग्रुप है जो कि बहुत ही अच्छे से काम करता है हॉस्पिटल्स में, तो सपोर्ट डॉक्टर को सपोर्ट करता है और नर्स को सपोर्ट करता है, जो भी पेशेंट है उनकी सेवा करता है। तो हॉस्पिटल में काम करने वाले जो एंजल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हॉस्पिटल्स एंजल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स एंजल्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछेंगे कि हॉस्पिटल्स एंजल्स का क्या काम है और उनको कब और वो किनको हेल्प करता है और कब हम उनको बुला सकते हैं। जब भी हमारे घर का बीमार कोई आदमी कोई इंसान हमारे घर का फैमिली मेम्बर बीमार पड़ जाए, बहुत ही ख़राब कंडीशन हो, तो हम हॉस्पिटल एंजल्स को ज़रूर याद करेंगे, हीलिंग एंजल्स को ज़रूर याद करेंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए। हीलिंग एंजल्स माइट वर्क विथ यू, हीलिंग एंजल्स माइट वर्क विथ यू इंडिविजुअली और माइट एक्सिस वन ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अच्छा यहाँ हो गया, गेट मोर आउट ऑफ योर रिलेशनशिप विथ हीलिंग एंजल्स बाय प्रेयरिंग टू द हीलिंग एंजल्स डायरेक्टली एंड आस्किंग फॉर क्लियर गाइडेंस अबाउट द बेस्ट वे टू हील योर लाइफ। हमारे रिलेशनशिप में चाहे वो प्यार मोहब्बत का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, किसी भी तरह का दुख है पीड़ा है कष्ट है, तो हम हीलिंग एंजल्स को याद करेंगे कि आपको वो चीज़ को वो दूर करें। प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए डायरेक्टली एंजल्स को, अन बोलिए कि आपको क्लियर गाइडेंस दे, आपको मार्गदर्शन करे, एक ऐसा रास्ता प्रदान करे कि जिससे आपका जिंदगी अच्छे गुजरे और सुखद गुजरे। टू हील योर लाइफ, व्हाट इन योर लाइफ मोस्ट अर्जेंटली नीड्स हीलिंग राइट नाउ, जो कि आपके लाइफ में बहुत ज़रूरत है जिससे कि आपका लाइफ अच्छा हो सके, इसीलिए आप हीलिंग एंजल्स को याद कीजिए। हीलिंग एंजल्स कैन ऑल्सो पुट एक्सलेंट सप्लीमेंट हीलिंग मॉडलिटी एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑन योर रडार टू स्पीड अप द हीलिंग प्रोसेस। कोई भी चीज़ है जैसे कि हम डॉक्टर से दिखाते हैं कोई घाव है और भरने वाला है, कोई बीमारी है वो ठीक हो रहा है और दवाई भी खाते हैं, तो उस समय हम हीलिंग एंजल्स को हम याद करेंगे ताकि हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से जल्दी हील हो जाए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा एंजल्स, बहुत सुंदर और बहुत क्यूट, एम्बंडेंस एंजल्स। एम्बंडेंस एंजल्स क्या होते हैं हम उनके बारे में देखेंगे कि एम्बंडेंस एंजल जो होते हैं वो क्या होते हैं। एम्बंडेंस इज आवर बर्थ राइट एज ह्यूमंस एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ, देयर इज एनफ टू गो राउंड फॉर एवरीवन। एम्बंडेंस एंजल जो होते हैं इज आवर बर्थ राइट, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे कि ह्यूमंस के लिए होते हैं, और ये स्पिरिचुअल सच्चाई है कि देयर इज एनफ टू गो राउंड फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए अवेलेबल है। वी ईच डिजर्व जॉय, हम सभी लोग डिजर्व करते हैं हमारे जीवन में खुशी आए, उन्नति आए, प्रोस्पेक्टिव टू बी पेड फॉर फेयर वेज, फॉर आवर वर्क टू बी रिस्पेक्टेड एंड एक्नॉलेज्ड एंड वैल्यूड लव, कि हमारे जो भी काम करें उनको प्यार मिले, प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, उनका केयर हो, हम ऐसा सभी लोग चाहते हैं। एंड एबंडेंस एंजल्स माइट ब्रिंग मोर मनी और कैरियर अपॉर्चुनिटी इन टू लाइफ। हमारा जो एबंडेंस एंजल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारा मनी को जो पैसा है और कैरियर जो कैरियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी वो ज़्यादा आते हैं। कोई बोलते हैं कि हमें जॉब लेने में मुश्किल हो रही है, कोई बोलते हैं हमें पैसा
आ नहीं रहा है तो हम एंजल्स एम्बंडेंस एंजल्स को हम याद करेंगे अपने कैरियर के लिए, अपने मनी के लिए, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आए। तो चलिए जब हम इस लेक्चर को पढ़ ही रहे हैं तो हम भी याद कर लेते हैं कि हे एम्बंडेंस एंजल्स प्लीज़ गिव मी मोर अपॉर्चुनिटी एंड गिव मी द एम्बंडेंस ऑफ मनी एंड द एम्बंडेंस ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग इन टू माई लाइफ आई प्रेयर प्लीज़ गिव मी योर ब्लेसिंग ग्रेटिट्यूड। और आप लोग भी ये प्रेयर कीजिए, हमने तो कर दिया। दे माइट ऑल्सो ब्रिंग थिंग्स जस्ट एज वैल्यूएबल मोर टाइम मोर फ्रेंडशिप मोर रेस्ट मोर प्ले मोर एडवेंचर्स मोर अपॉर्चुनिटी टू बी द सर्विस टू अदर्स। जितना भी हमारे लाइफ में होने वाली खुशियाँ हैं उस सभी को हम अगर मिला दें तो एम्बंडेंस वर्ड आता है। एम्बंडेंस मीन्स हर तरह का खुशियाँ परिवार में है, हम खुशी है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सोशल वैल्यू, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, मनी, पैसा, हमारे दोस्ती है, प्यार है, अफेक्शन है, यानी हर तरह की जो हमें खुशी पहुंचाती है वो हर तरह का जो खुशी है, केवल पैसा ही नहीं है कि सब कुछ है, पैसा के अलावा परिवार है, प्यार है, संबंध है, सब भी में जो खुशियाँ हैं। अब बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, मान लो हस्बैंड वाइफ है, सब पैसा है, सब कुछ है, बच्चे नहीं तो उनका दुख। तो एबंडेंस मीन्स क्या है कि हर तरफ खुशियाँ है, उनका एंजल्स उसको बोलते हैं एबंडेंस एंजल्स। ओके, तो इस तरह वो हमें लाइफ को वैल्यूएबल बनाती है, मूल्यवान बनाती है और हमें सक्सेस प्रदान करती है अलग अलग अपॉर्चुनिटी देकर। यू कैन कॉल ऑन एम्बंडेंस एंजल टू यूजर मोर एम्बंडेंस इन टू लाइफ और यू कैन कॉल एन एम्बंडेंस एंजल टू वर्क देयर मैजिक इन लाइफ और फ्रेंड को वर्क फैमिली मेंबर्स और स्ट्रेंजर्स। हम ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे एम्बंडेंस एंजल्स हमारे ज़िंदगी में चेंज लाइए और हमारे जो फ्रेंड्स है, हमारे जो कोर्स से जुड़े हुए हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हमारे लिए दया रखते हैं, उनके भी लाइफ में आप चेंज लाइए मैजिक रूप से और हमारे ज़िंदगी में भी चेंज लाइए। तो हमारे ज़िंदगी में और जो लोग नहीं भी जानते हैं और उनके लिए अभी प्रार्थना करते हो तो उनके लाइफ में भी चेंज आते हैं। तो हम एम्बंडेंस एंजल से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे कोर्स से जुड़े हैं और हम हमारे ज़िंदगी में भी चेंज आए मैजिक रूप से, और प्लीज़ आप जो भी हमारे कोर्स से जुड़े हैं उनकी ज़िंदगी सब जो भी है उनके परेशानी को, दुख दर्द को दूर कीजिए एम्बंडेंस एंजल प्लीज़, और सभी को खुशियाँ प्रदान करें। बहुत ही मैजिक रूप से काम करती है, ए फ्रेंड की तरह, को वर्कर, फैमिली मेंबर्स और द स्ट्रेंजर। इफ़ देयर इज ए नेबरहुड इन अवर टाउन, यदि हमारे शहर में कोई पड़ोसी होता है और उनको ज़रूरत होता है, नीड्स मोर एम्बंडेंस, सी व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट पर्सनली बट ऑल्सो सेंड एम्बंडेंस एंजल्स देयर। तो उनको आपके बगल में पड़ोसी है और वो आपके अच्छे संबंध है तो आप एम्बंडेंस एंजल को कॉल कर सकते हो और उनको पास भेज सकते हो कि प्लीज़ उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को ये फ्री सिखा रहा हूँ कि आप अपना दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। यू कैन इवन सेंड एम्बंडेंस एंजल्स टू फार अवे लैंड्स डेट आर एक्सपीरियंसिंग मच स्ट्राइव। आप ऐसा जगह भी भेज सकते हैं कहीं भी किसी भी समय, चाहे कितना भी देश विदेश दूर हो, नदी को, जहाँ पर लाइफ बहुत ही संघर्षपूर्ण है। डोनेटिंग टाइम और मनी टू दिस काउज एंड देम इमेजिन ए फ्लॉक ऑफ एबंडेंस एंजल्स फ्लाइंग टू दिस रीजन्स टू रीस्टोर द पीपल एंड द लैंड। वो काफ़ी तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, तो जस्ट देरी किस बात की है, जस्ट प्रेयर कीजिए और अपने और सभी लोगों का भलाई कीजिए एबंडेंस एंजल्स कि प्लीज़ गिव मी एबंडेंस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, गिव मी अपॉर्चुनिटी, गिव मी मनी एबंडेंस प्लीज एंड द पीपल हु आर कनेक्टेड विथ मी। जो भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं हम उनकी ज़िंदगी को भी अच्छा कीजिए एबंडेंस एंजल्स, और हमारी ज़िंदगी को भी अच्छा कीजिए। प्लीज़ गिव मी योर ब्लेसिंग ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, आपको थैंक यू सो मच, ऐसा आप लोग भी बोलिए। इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग ए लैक ऑफ एबंडेंस इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, रिमेंबर डैट यू डिजर्व एबंडेंस एंड यू आर वर्दी ऑफ द मोर, देन आस्क एन एबंडेंस एंजल्स टू गिव यू द आइडियाज अबाउट हाउ टू बेटर गेट योर नीड मेट। आप अगर ऐसा फील करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं कि आपको ज़िंदगी में किसी भी एरिया में, किसी भी ज़िंदगी के क्षेत्र में आपको किसी भी चीज़ का कमी है, तो प्लीज़ एबंडेंस एंजल्स को याद कीजिए, उनसे ब्लेसिंग मांगिए, प्रे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और वो आपको ऐसा एरिया देंगे, विचार देंगे जिससे कि आपका ज़िंदगी बदल जाएगा मैजिक रूप से और आप ज़िंदगी के हर पार्ट में खुशी प्राप्त कर सकते हैं, सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। टू वे स्ट्रीट, देखते हैं टू वे स्ट्रीट क्या होता है। एंजल्स ऑफ ऑल टाइप्स सराउंड ह्यूमंस कॉन्स्टेंटली एंड वी आर ऑलवेज बेनिफिटिंग फ्रॉम दियर लव, प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस। एंजल्स कितना भी प्रकार का हो, वो हमारे चारों ओर, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं
हम लगातार होती है हमारे आसपास और हमें हमेशा बेनिफिट देती है, लव देती, प्यार देती है, सुरक्षा देती है और मार्गदर्शन करती है। हाउएवर, टू मेक द मोस्ट ऑफ द डिवाइन पार्टनरशिपिंग, बी मोर अवेयर ऑफ एंजल्स, डायरेक्ट ए पीरियड ऑफ मेडिटेशन टू द एंजल्स, वॉच फॉर साइन फ्रॉम योर एंजल्स एंड देन थैंक देम व्हेन एन अपॉर्चुनिटी और पर्सन कम्स इन टू योर लाइफ एंड सीम डिवाइनली सेंट। आपको कभी भी एंजल साइंस कभी भी आपको दिखता है तो प्लीज़ थैंकफुल कीजिए, ग्रेटफुल कीजिए, उनसे अपना शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने मुझे अपना साइन देकर मुझे ब्लेसिंग दिया है। थैंक यू सो मच एंजल्स कि आपने अपने साइन दिया और आप मेरे साथ हो, मेरा हेल्प कर रहे हो। इस तरह से ग्रेटिट्यूड फील करना है। योर रिलेशनशिप विद एंजल्स इज लाइक एनी अदर रिलेशनशिप इन योर लाइफ, द मोर यू पुट इन टू इट द मोर यू विल गेट आउट ऑफ इट। जितना विश्वास करोगे, जितना प्यार करोगे, एंजल्स हमारे बेस्ट फ्रेंड जैसा है, हमारे प्यार जैसा है। तो जिस तरह से हमें अलग अलग रिलेशन हमारे फैमिली में होता है, उसी तरह एंजल्स भी हमारे साथ एक रिलेशन है। हमें उनको विश्वास करना है, हमेशा उनको अपने साथ फील करना है, हर टाइम फील करना है, जो भी काम करते हो ऐसा फील करना है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपके साथ है। आपको शेयर करना है और प्रेयर करना है, मेडिटेशन करना है रेगुलरली, और उनसे हेल्प मांगना और ग्रेटिट्यूड फील करना है। थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा, मैंने बहुत मेहनत पूरा एफर्ट लगाया इसको समझाने में, तो ज़रूर आप मुझे अपना प्यार दिखाइए कि आपको कौन सा एंजल्स में इसमें क्या समझ में आया और क्या आपको अच्छा लगा। कमेंट जरूर कीजिए, कम से कम एक छोटा कमेंट मत किया कीजिए, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ये सब नहीं। आप 5 से 6 लाइन लिखिए कि आपको क्या समझ में आया डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स के बारे में, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। ये था पार्ट 9 एंजल्स कोर्स लेक्चर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको ब्लेसिंग लीजिए एंजल्स का, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय मन शक्ति आदेश, टेक केयर, थैंक यू सो मच।